ये देखो पूरा कॉलर गंदा करके रख रखा है। बस यही तो काम है मेरा कि कपड़े धो, ये इनके कच्चे धो, ये ऐसा तो लगता ही नहीं कि ये आदमी ऑफिस में जाके काम करता है। ऐसा लगता है रोडों पे जाके भीख मांगता है, लौटता है जाके रोडों पे। नौकरानी बना के रखा है ये सारे कपड़े धोने। इतना लंबा बाल इनकी शर्ट पर, मतलब ये आदमी जरूर मेरे पीठ पीछे गुल खिला रहा है। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। सच सच बता, कल रात तू कहाँ गया था और किसके साथ गया था अपना मुंह काला करवाने? अरे कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो, अब क्या कर दिया मैंने? अच्छा ये इतना लंबा बाल तेरी शर्ट से मिला है और अब उल्टा मैं ही बताऊं कि हुआ क्या है? अच्छा ये बाल, ये तो तुम्हारा ही है। अच्छा एक तो झूठ, ऊपर से एक और झूठ, तुझे क्या मैं पागल लगती हूँ? तुम्हें यकीन नहीं है ना मुझ पे? रुको अभी प्रूफ कर देता हूँ। ये देखो दोनों बराबर है, तुम्हारे ही बाल है। तुम नए टीवी सीरियल और क्राइम पेट्रोल देखना बंद कर दो, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा सखी औरत। ओ अच्छा ये मेरा ही बाल था क्या? मैंने भी खामखा डाउट कर दिया। खैर छोड़ो, वैसे ये गुस्सा ना मेरा कपड़े धोने का था, अभी मुझे कपड़े भी तो धुलने हैं। अरे यार पानी भी खत्म हो गया, किचन से लेके आना पड़ेगा। अरे तुम इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सोई नहीं? साहब जी आप यहाँ? वो हमें प्यास लगी थी तो हम पानी लेने चले आए। प्यास तो हमें भी लगी है। ये कैसी आवाज आ रही है बाहर से? हे राम जी ये इतनी रात को कहां चले गए? आप हमें आवाज लगा देते, हम आपके कमरे में ही पानी दे देते। अच्छा आप यहां रुकिए, हम आपके लिए अभी पानी लेके आते हैं। आप इतनी रात को वो भी काम वाली के साथ? मेन साहब ऐसी कोई बात नहीं है, साहब को प्यास लगी थी तो हम बस उन्हें पानी देने लगे थे। हमने तुमसे नहीं पूछा, हमने आपसे पूछा है। और इतनी रात को इनको प्यास लगी है इस बात का आभास हमें नहीं हुआ, दूसरे कमरे में सो रहे तुम्हें हो गया। वो मेन साहब बस अब हमें कोई और झूठी सफाई नहीं चाहिए। आपने तो हमारे साथ साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, आपको हमारे पवित्र रिश्ते का जरा सा भी ख्याल नहीं आया? तुलसी तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम वहाँ बस पानी लेने गए थे और वहाँ पे कामवाली भी आ गई पानी लेने। मतलब आधी रात को आप दोनों को एक साथ प्यास लगी थी, ये मैं कोई संजोग समझूं या फिर आधी रात को मुलाकात करने का बहाना? तुलसी हमारा विश्वास करो, हमने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया जिसकी वजह से हमारे पवित्र रिश्ते पे जरा सी भी आंच आए। तुम्हारे सर की कसम और हमारे होने वाले बच्चे की कसम। बस गोपाल जी अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए, हमें माफ कर दीजिए, हमने बेवजह ही आप पे शक किया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी होता वो भी यही करता।
वो भाभी हाँ वो ना मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ और ना मेरी फ्रेंड का भी बर्थडे है तो आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। आप मम्मी को बता देना और अगर मम्मी कुछ बोले तो आप प्लीज संभाल लेना। अच्छा ठीक है, बट कोशिश करना कि थोड़ा जल्दी आ जाओ क्योंकि मैं ज्यादा देर तक मैनेज नहीं कर पाऊंगी। हाँ 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 भाभी मैं जल्दी आ जाऊंगी पक्का। ठीक है बाय बाय। छोटी दीदी दीदी रात के 1 बज रहे हैं, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हो? एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? और टोक दिया ना, कर दिया ना सारा काम खराब। एंड लिसन टू मी, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझसे सवाल करने का। मैं कहीं भी आऊं कहीं भी जाऊं तुम कोई नहीं होती मुझे टोकने वाली। और तुम भी तो रात के 1 बजे ऐसे घूम रही हो चुड़ैलों की तरह। मैंने तुम्हें कुछ बोला? अपना काम करो, गेट लॉस्ट। पर दीदी मैं तो ये कह रही थी कि इस टाइम और वो भी इन कपड़ों में जाना सेफ तो है ना? Can't you get it? तुम्हें एक बार समझ में नहीं आती मुझे क्या करना है क्या नहीं और क्या पहनना है क्या नहीं? ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट टेल मी वट टू डू। इट्स माई लाइफ और इसमें मेरी ही चलेगी। और हाँ, मेरे जाने के बाद माँ और भाई से चुगली करने मत पहुंच जाना, यू ब्लडी गवार वुमन। पर दीदी मैं ये कह रही थी कि स्वाति स्वाति ये क्या बिहेवियर है? तुमने अपनी भाभी को थप्पड़ क्यों मारा? भाई आप ही ने तो बचपन में सिखाया था कि गलत कभी नहीं सहना है। क्या मतलब? भाई आपको ना पूरी स्टोरी नहीं पता, पहले भाभी ने मुझे मारा तो मैंने पलट के भाभी को मारा। पर स्वाति ये किस टाइप के कपड़े पहने हुए तुमने? भाई ये मेरे कपड़े नहीं है, ये भाभी के कपड़े हैं, उन्होंने मुझे दिए पहनने के लिए। और जब इससे भी इनका मन नहीं भरा तो ये मुझे बाहर भेजने की जिद कर रही थी। और जब मैंने जाने से मना किया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, तब मैंने इनको थप्पड़ मारा। राशि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसी घटिया हरकत करोगी वो भी मेरी बहन के साथ। तुमको जरा से भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी, मैं तुम्हें ऐसे तो माफ नहीं करने वाला। और तुम्हारी सजा है आज से नहीं अभी से तुम बिस्तर पे नहीं 1 महीने तक जमीन पर सोओगी। हे कान्हा जी आखिर क्या भूल हो गई है हमसे जो आप हमें ऐसे दिन दिखा रहे हो? सिब्बू हाँ क्या है यार? एक डिस्प्रिन की गोली दे दो और एक कप चाय बना दो प्लीज, सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ सर में दर्द होगा ही, क्यों नहीं होगा? सारा दिन बाहर घूम के आते हो, ये नहीं कि अच्छी खासी कोई नौकरी पकड़ लूं। एक अच्छी खासी नौकरी थी वो भी गवा दी, सारा दिन घर से भटकते रहते हो। आ रही हूँ। ये लो पकड़ो और पानी खुद ले लेना, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। पकड़ो, मैं मार्केट जा रही हूँ, गेट अंदर से लॉक कर लेना। ठीक है।
तुलसी वहू, अब गोपाल की तबीयत कैसी है? माँ जी, इनकी तबीयत अभी भी नाजुक है। तुलसी वहू, हमें लगता है कि अब तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है। कैसा सच बड़ी माँ? यही कि गोपाल की तबीयत ठीक ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे परिवार को दिया गया श्राप। क्या क्या क्या? हाँ, श्राप। आज से 200 वर्ष पहले हमारे हाथों हमारी कुल देवी का अपमान हो गया था, जिसका बदला माँ हमारे गोपाल से ले रही है, हमारे गोपाल की सलामती के लिए। तुम्हें हमारी कुल देवी को प्रसन्न करना होगा। बड़ी माँ, हम अपने सुहाग की सलामती के लिए किसी भी राह से गुजरने को तैयार हैं। हमें चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम वो करेंगे। माँ, तुम्हें हमारी तपस्या के आगे झुकना ही होगा। हमारे सुहाग को अपने श्राप से मुक्त करना ही होगा माँ, करना ही होगा। और अगर आपने हमारे पति को अपने श्राप से मुक्त नहीं किया, तब तक मैं आपके दरबार से कहीं नहीं जाने वाली। तुलसी, माँ ने तुम्हारी तपस्या को देखकर अपना श्राप वापस ले लिया है, पर अब हम बिल्कुल ठीक है। माँ, सच में तुम सृष्टि की माँ हो। माँ, कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे फटाफट बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। आपको कौन सा फेवरेट पार्ट लगा? आपको टीवी सीरियल का पार्ट अच्छा लगा या रियलिटी अच्छी लगी? मुझे तो भाई टीवी सीरियल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं शूट भी कर रही थी तो भी मुझे शूट करने में भी बहुत मजा आ रहा था। तो आप भी बताना कि आपको क्या अच्छा लगा है। तो फटाफट से इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, भर भर के कमेंट करना, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा तो बहुत मन है कि मैं दोबारा से टीवी सीरियल वर्सेस रियलिटी बनाऊं, क्योंकि लिटरली ये शूट करने में मुझे बहुत मजा आता है, खास करके रियलिटी वो टीवी सीरियल वाला पार्ट। तो फटाफट से जाओ कमेंट करो, चाहिए दूसरा पार्ट या नहीं। तो जाओ, लव यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।